विश्व हाथी दिवस के अवसर पर गुरुवार को गरियाबंद वन मंडल द्वारा मेनपुर वन विभाग परिसर में मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गरियाबंद जिला के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गरियाबंद वन मंडल के वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकेश्वरी तेनाम, सभापति जिला पंचायत गरियाबंद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोला जगत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कहा कि यह दिवस हाथियों के संरक्षण व गैर कानूनी अधिकार, उनके बेहतर इलाज और ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं DFO साहब के साथ हाथी प्रभावित ग्रामों में रात को निरीक्षण के लिए पहुंचा था। वहीं गरियाबंद वन मंडल के वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि अब तक गरियाबंद वन मंडल में हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिया जा चुका है। मयंक अग्रवाल ने बताया कि हाथियों के ग्राम में पहुंचने की सूचना देने के लिए विभाग द्वारा 40 गाँव में सायरन लगाए गए हैं। कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा स्व सहायता समूह को 51 नई नग सिलाई मशीन, जनप्रतिनिधियों व वन संरक्षा समिति, टार्च, दरी, मेट, त्रिपाल के साथ फलदार पौधा का वितरण भी किया गया है। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने वन विभाग परिसर में संचालित दोना पत्तल केंद्र का निरीक्षण करते हुए दोना पत्तल केंद्र में काम कर रही महिलाओं से भी चर्चा की। शुरुआती दिवस आज वन विभाग द्वारा यहाँ मैनपुर में मनाया है। 2-3 साल से गरियाबंद जिले में हाथी ने दस्तक दी है। हाथी और इंसान का ये जो स्थिति थोड़ी पैदा होती है, उसमें अगर कुछ हम सावधानियाँ बरतेंगे तो उसके बारे में सभी हमारे लोगों को जानकारी दी है। जिले में इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी इसका मुख्यतः यह क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है और हाथी प्रबंधन के संबंध में विभाग के द्वारा क्षेत्र पर काम किया जा रहा है। गांव-गांव में हाथी प्रबंधन के लिए हाथी मित्र दल का गठन किया गया है। गांव को हाथी के संबंध में क्या करना है और नहीं करना है इसके संबंध में रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा ऐप के माध्यम से भी गांव-गांव में सायरन लगाया जा रहा है और जब भी हाथी की दस्तक होती है तो सायरन के माध्यम से भी गांव में बताया जाता है कि अभी हाथी आपके क्षेत्र में है, कृपया आप अपने खेत खलिहान में न जाएं। इसके अलावा विभाग के द्वारा त्वरित रूप से जो भी फसल क्षति या मकान क्षति होती है उसका प्रकरण बनाकर 1 महीने के भीतर उनको उसका भुगतान भी किया जाता है। तो इससे गाँव में कोई दुष्प्रचार या गांव में द्वेष की भावना ऐसी डेवलप नहीं होती है और बहुत अच्छे से